देख रहे हैं हिमाचल अपडेट और मैं हूं आपके साथ मीनू गुलेरिया। हिमाचल प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक धर्मशाला में आयोजित की गई। मिशन 2022 के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा ने रणनीति बनाई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा ने की, जबकि प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद राजवरी ने कहा कि अल्पसंख्यक मिशन 2022 को सफल बनाने में पूरी तरह तत्परता से काम करेगा। कोरोना से निपटने में सरकार सफल रही है और विपक्ष असफल रहा है। जयराम सरकार ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हिमाचल से बनाया, जबकि कांग्रेस ने बाहरी राज्य के व्यक्ति को ये पद दिया। कोरोना के समय भाजपा फील्ड में थी, जबकि कांग्रेस इस दौरान नदारद रही। सीएम जयराम ठाकुर को कोविड-19 में बेहतर कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ आंका गया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग की अनदेखी कांग्रेस राज में हुई है, भाजपा में इस वर्ग की अनदेखी नहीं हुई। प्रदेश की जयराम सरकार ने मुस्लिम वर्ग का जो वक्फ वोट होता है उसका चेयरमैन हिमाचल से बनाया है, जबकि कांग्रेस सरकार ने बाहरी राज्य के व्यक्ति को वक्फ वोट का चेयरमैन पद सौंपा है। आज हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक धर्मशाला में हो रही है, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी बुलाए हैं। मिशन 2022 को सफल करना है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में पूरा हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, उसके लिए आज ये बैठक है। आगे की जो उसमें रूपरेखा होगी वो तय की जाएंगी। बैठक में हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय पवन राणा जी हैं, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर जी, चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट के प्रभारी और वूल फेडरेशन के चेयरमैन हैं, और मीडिया प्रभारी हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी राकेश शर्मा जी। तो कोरोना से निपटने में सरकार सफल रही है, विपक्ष असफल रहा है हमेशा, वो कुछ कर नहीं पाया है। ठीक, वो अपनी असफलताओं को सत्ता सरकार पे वो करना चाहता है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को आप जानते ही हैं, एक किसी एजेंसी ने सर्वे की और सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आका गया, जिसने कोविड-19 के लिए अच्छा कार्य किया। जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली थी, तब कोई विपक्ष का आदमी हिमाचल प्रदेश में नहीं मिला, कहीं मिलता नहीं था। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार जनता के साथ हमेशा खड़ी थी, उसमें पूरे लगन से हर तरफ से सहयोग किया है, हर इंसान का, हर हिमाचलवासी का, हिमाचल सरकार ने।